ये पाकिस्तानी शीप है। अच्छा अच्छा, मटन इंचेस 3 है। सही। और इंडियन मटन पर केजी कितने का है? ऑस्ट्रेलिया पर केजी मटन कितने का है? मटन हेड है, ये पाकिस्तानी मटन है, ठीक है, दुम्बे का फैट। इस टुडे ओके, इन आयतुल्ला का नाम के क्या थे, तो थोड़ा सा आप डिस्काउंट करेंगे। हमारे बीफ लीवर है, ठीक है, ये किडनी है। पार्ट्स बताएं, उनके प्राइसेस बताएं, और ये इनमें क्या फर्क है? डिलीवरी वगैरह भी आप देते हैं? किडनी जिसे बोलते हैं हम लोग। जी जी, ठीक है। ये बीफ मटन और कहाँ के क्या प्राइसेस है? मटन किडनी है, पीस के हिसाब से आप सेल करते हैं या केजी के हिसाब? बड़ी क्वांटिटी में चाहिए तो प्राइस जो है फिर और भी ज्यादा उसमें डिस्काउंट होगा। ये रेस्टोरेंट क्या ऑर्डर करता है? ये हार्ट है, पाया। ओके, ये मटन लीवर, मटन पाया। ओके, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त दुबई मीट मार्केट, जो कि दुबई वाटर फ्रंट डेरा में लोकेटेड है, वहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मार्केट भी है और इसी तरह से स्पाइसेस मार्केट भी है, और होलसेल रिटेल जो फूड आइटम्स है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। बहुत बड़ा मार्केट है और जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लीनलीनेस का बहुत ख्याल रखा जाता है। लास्ट टाइम मैंने जो मीट मार्केट की वीडियो बनाई थी उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था, तो दोस्तों ने कहा कि दोबारा मैं मीट मार्केट की वीडियो बनाऊं। आज आपको मीट के जितने भी टाइप्स हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, उनके जो ऑर्गन्स हैं, ये सब डिटेल्स प्राइसेस इस वीडियो में उनकी डिटेल्स आपको मिलेंगी। चैनल पे अगर आपने है वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सोशल मीडिया पे जो हमारे बाकी पेजेस और चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। तो अभी सुनते हैं अमीर हमजा भाई को, जो कि हमें इन मीट प्रोडक्ट्स की डिटेल्स बता रहे हैं। सुनते हैं अमीर हमजा भाई को। अस्सलाम वालेकुम अमीर हमजा भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से है? जी अमीर हमजा भाई, आपके पास क्या क्या आइटम्स हैं, जो मीट के आइटम्स हैं, बीफ मटन और कहाँ कहाँ के हैं, क्या प्राइसेस हैं? मेरे पास पाकिस्तानी बीफ है जी। अच्छा जी। तो उसके बाद पाकिस्तानी मटन है मेरे पास। अच्छा। पाकिस्तानी शीप है मेरे पास। अच्छा अच्छा। ऑस्ट्रेलिया का शीप है। अच्छा ठीक है जी। इंडिया का मटन है मेरे पास। अच्छा अच्छा, उसके प्राइसेस भी बताएं। पाकिस्तानी मटन प्राइसेस तो सबको पता ही, जब भी कोई आ जाएगा तो पता चल जाएगा जो आज के प्राइस है। अच्छी प्राइस देते हैं। अच्छा अच्छा सही, कुछ टेंशन नहीं। आपको पाकिस्तानी दिखाता हूँ, देखिए आप। अच्छा अच्छा सही, पाकिस्तानी चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तानी मटन है, ये देखिए। सही, ओरिजिनल पाकिस्तानी मटन है, ठीक है। ये इसका कार्ड भी है, ये चेक कर सकते हैं। अच्छा अच्छा जी, मटन सही, ये चेक, ठीक है। ये पाकिस्तानी ओरिजिनल एक नंबर का। अच्छा, मेरे पास है ओनली इस मार्केट में। अच्छा, मेरे पास है। अच्छा, पाकिस्तानी गोट। अच्छा अच्छा सही। तो इसका आप प्राइस भी बता दें क्या क्या जी? प्राइस मुश्किल नहीं यार, जब भी कस्टमर आएंगे कोई मसला नहीं। अच्छा, 35 दे देंगे। 35 देंगे। वैसे अगर किसी को शादी के लिए चाहिए, कुछ बड़ी क्वांटिटी में चाहिए, तो प्राइस जो है फिर और भी ज़्यादा उसमें डिस्काउंट होगा। और डिलीवरी वगैरह भी आप देते हैं? मिनिमम कितनी के जी होनी चाहिए डिलीवरी के लिए, यानी अगर किसी को ऑर्डर करना है तो मिनिमम कितनी डिलीवरी, कितनी के जी होना चाहिए? 15-20 के जी तो होना चाहिए, कम से कम 20 के जी। तो फ्री डिलीवरी देंगे दुबई में या यूएई में कहीं पर भी? सही है। इसके अलावा मेरे पास शीप है पाकिस्तान ओरिजिनल। अच्छा, ये पाकिस्तानी शीप है। अच्छा अच्छा सही, दुब्बा जिसको कहते हैं। जी जी जी, ये वो चीज है। सही सही, ओरिजिनल पाकिस्तानी। सही सही सही, ओरिजिनल भाई। सही, एक नंबर पाकिस्तान। सही। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी है मेरे पास। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया पर के जी मटन कितने का है अमीर हमजा भाई? 32 दरम है। और इंडियन मटन पर के जी कितने का है? मटन जो है वो 42 दरम है। और जिस तरह से आपने कहा अगर किसी को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो प्राइस जो है थोड़ा कम हो जाएगा, मुश्किल इंशाल्लाह। सही है, जो भी आएगा लेस कर देंगे। सही है, चीज एक नंबर दो। सही है, वाला काम भी होगा, फ्रेश होगा और चीज़ अच्छी होगी भाई, एयर वाला फ्रेश। और अगर कोई इनायतुल्लाह का नाम के क्या आते हैं तो थोड़ा सा आप डिस्काउंट करेंगे हमारे सब्सक्राइबर के साथ? इंशाल्लाह, क्यों नहीं सर। ये शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अमीर हमजा भाई, शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم. وعلیکم السلام. اظہر بھائی کیا حال ہے؟ جی شکر خیریت سے ہے. اللہ کا احسان ہے. جی اظہر بھائی، آپ کے پاس جو اس وقت مختلف قسم کے یہ میٹ کے آرگنز ہیں اور ٹائپس ہیں، ان کی آپ ہمیں کیا ڈیٹیلز بتا رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا آئٹمس ہیں؟ ہمارے پاس ایک تو سب سے بڑی جو ہماری خاصیت ہے، ہمارے پاس سب کچھ فریش آتا ہے. اچھا، ہم اپنا منگواتے ہیں پاکستان سے. اچھا، ٹھیک ہے. جیسے کہ یہ لیور پڑا ہوا ہے، یہ بیچ لیور ہے، فریش صحیح ہے. یہ لیور ہے جی، بیف لیور ہے جی، یہ بیف لیور ہے. ٹھیک ہے، یہ کڈنی ہے. یہ بیف لیور کے جی کتنے کا ہے؟ یہ سر 15 ہے. 15 15 15. اور یہ جو یہ سر کڈنی ہے، یہ کڈنی ہے جی، 18 ڈالر. یہ بیف کی یا یہ بھی بیف کی؟ بیف کی ہے جی. سب کہاں کا نہیں صحیح ہے؟ یہ پاکستان کے پاکستان جی آرگینک. اس کا پر کے جی کتنا ہے اس کا؟ 18 ڈالر. 18 ڈالر ہے جی سر، یہ 18 ڈالر ہے. اور اس کے بعد یہ ٹرپ ہے جی. ٹھیک ہے، اوجڑی جسے بولتے ہیں ہم لوگ جی جی. ٹھیک ہے، یہ اوجڑی، یہ بھی 18 ڈالر. یہ بھی بیف ہے یا؟ یہ بھی بیف. بیف ہے جی. یہ پر کے جی کتنے کا ہے؟ یہ بھی 18 ڈالر. 18 ڈالر. اس کے پیچھے جو نظر آ رہا ہے، یہ انٹسٹائن ہے. انٹسٹائن، ہم اس کو اردو میں کنورٹ کرے تو آنتے بھی کہہ سکتے ہیں. ویسے انٹسٹائن کے جو اگر صحیح طرح سے پکائے جائے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے. بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا، بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے. یہ بالکل فریش ہوتی ہے. اچھا، میں آپ کو چیک کرواتا ہوں. صحیح صحیح، بالکل فریش ہے یہ. صحیح، یہ 15 درہم ہے، 1.5 ہے. صحیح، اس کا پر کے جی کتنا؟ 1.5 ہے جی. یہ 1.5. اچھا اچھا، صحیح. اور اس کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ٹنگ ہے، بیف ٹنگ. بیف ٹنگ ہے، یس. زبان یہ 20 درہم پر کے جی ہے. یہ بیف کہاں کا ہے؟ یہ بھی پاکستان پاکستان سب پاکستان کا. صحیح ہے، 20 درہم پر کے جی ہے. 20 درہم. اور اس کے ساتھ یہ جو ہے، یہ ہارڈ ہے، دل. اچھا، بیف کا یہ بھی جی؟ بھی بیف کا ہے، ہارڈ دل ہے ہمارے پاس. یہ کتنے کا ہے پر کے جی؟ یہ سر 20 درہم، 20 درہم ہے، فریش ہے ہمارے. اور یہ آپ کے پاس یہاں پہ مختلف جو پورشنز ہیں، پارٹس ہیں، آپ یہ پارٹس بتائیں، ان کی پرائسز بتائیں، اور یہ ان میں کیا فرق ہے؟ میں جی جی بالکل، جیسے کہ یہ ہے، یہ ابھی بیف ریبس ہے. اچھا، ٹھیک ہے، جسے آپ سینہ بھی کہہ سکتے ہیں، چام بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، چام کس سے بنتے ہیں؟ یہ اسی میں سے چام بھی بنتے ہیں، سینہ بھی بنتا ہے. اچھا اچھا، یہ ریبس پڑی ہوئی ہے. اچھا اچھا، صحیح ہے. مٹن کی ریبس پڑی ہوئی ہے، مٹن کی ریبس، پاکستانی مٹن ہے، مٹن کی ریبس پڑی ہوئی ہے. صحیح، اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کوالٹی وائز اگر لیگ 35 ہے تو یہ 30 درہم ہوتا ہے. اچھا اچھا، ان کا پرائز لیگ کی نسبت، شولڈر کی نسبت تھوڑا سا کم ہوتا ہے. اور ٹیسٹ کے لحاظ سے اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے یا نارمل گوشت ہوتا ہے؟ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے، جو بون کا ہوتا ہے. بالکل، اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے، سوپ اچھا بنتا ہے. اچھا، ٹیسٹ کے لحاظ سے اچھا. اچھا اچھا، اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو ہے، یہ بیف ہے، بیف چامپس پڑی ہوئی ہیں. بیف چامپس ہے جی سر. اوکے، اس کے پرائز کیا ہے؟ یہ سر 18 درہم پر کے جی ہے. پر کے جی جی سر، 18 درہم پر کے جی ہے ہمارے پاس. صحیح، یہ پاکستانی بیف ہے، فریش ہے. اوکے، یہ ہمارے خود، یہ ہمارے بوس ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. ہمیں رمضا بھائی جی. صحیح صحیح. اور یہ آپ کے پاس ماشاء اللہ جی، اب یہ آپ آ جائیں، میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں. یہ لیگ ہے، بیف لیگ ہے. یہ بیف لیگ ہے جی، یہ بیف لیگ ہے، پاکستانی بیف ہے. اچھا، سارا فریش ہے. اچھا اچھا، صحیح، سارا فریش ہے. یہ بھی مارکیٹ میں لیگ پڑے ہوئے ہیں. صحیح، جو بول رہے سر. اچھا، اچھا، یہ بون لیس ہے، بون لیس 25 درہم پر کے جی. صحیح ہے. اور یہ آپ کے پاس ہمارے ریسٹورینٹ وغیرہ کے آرڈر ہوتے ہیں. اچھا، یہ مٹن ہے، بیف ہے. اچھا اچھا، السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ اللہ کا احسان، الحمد للہ. آپ تو ماشاء اللہ کافی پروفیشنل بن رہے ہیں آپ کے. جی جی ہاں جی بالکل. اچھا، یہ آرڈر سارے ریڈی ہو رہے ہیں. صحیح، اس کے بعد یہ کسٹمر کا کام ہو رہا ہے ادھر. اچھا اچھا، صحیح ہے. صحیح، مٹن دکھاتا ہوں. اچھا، مارکیٹ میں آپ کو نہیں ملے گا. صحیح، بہت کم. تمہارا نمبر بتایا کہ نہیں؟ ہر چیز. السلام علیکم. والا پشاور ہے، پاکستانی قسم باللہ، تازہ ٹوڈے. اوکے، دس از واٹ بی فور بیف؟ دس بیف پاکستانی. اوکے، پنجاب ہاں، ماشاء اللہ. اوکے، یو ہیو بوس، دس مے بوس مالان پاکستان. والا ایوری ٹائم ون شاپ ٹو شاپ چیک اندر
food shop here. Okay. Anatri also shop. Your shop? Yes, Anatri shop. This. Oh, okay. This one. Okay. All four shops. Same. Another shop, you fire. This fire, Hojri. This my boss, Mahmoud Rashid, 72. 72? Yes, this. Oh. Every day fresh meat, mashallah, every day. This me Morocco. Okay, mashallah. Morocco. Ordo Malo. Mashallah. Discount good. Bonus 25. जी अजहर भाई अभी आपके आपको लेके चलता हूँ। ये आपकी नेक्स्ट शॉप है। अच्छा, जो बीफ के पार्ट्स हैं। बीफ के पार्ट्स होते हैं, सही। जैसा कि ये बीफ पाया। ओके, बीफ पाया, बीफ है, मटन हेड, सही। बीफ पाया क्या हिसाब है इसका? 12 दिरहम पर केजी। 12 दिरहम पर केजी है। 12 दिरहम पर। और ये मटन हेड? ये मटन हेड है, ये पर पीस का हिसाब होता है। अच्छा, पर पीस, सही। ये पर पीस 20 दिरहम 50 दिरहम होता है। जो बड़ा वाला होता है वो 20 दिरहम होता है। अच्छा, छोटा वाला होता है वो 15 दिरहम होता है। 15 दिरहम है, सही है। ओके, ये भी वही है जो मैंने उधर आपको सेम दिखाया था, बीफ की पोजड़ी दिखाई थी, सही। ठीक है, वो मटन इंटेस्टिन है, सही। मटन आते पड़ी हुई है, सही। ओके, और साथ में लीवर है। अच्छा, ये लीवर है। लीवर, ये मटन लीवर, मटन लीवर है। इसका पर केजी कितने का है? 25 दिरहम है, सही। और उसके बाद ये किडनी है। ये किडनी है, मटन किडनी है, मटन किडनी है। इसका पर क्या हिसाब है? ये सर पर 25 दिरहम, सेम 25 दिरहम पर केजी। जी जी, 25, सही है। और उसके बाद वो सर आप पाए, आज पाए हैं उधर पड़े हुए मटन पाए, मटन पाया। ओके, इसका क्या हिसाब है अजहर भाई? 25 दरम 12 पीसेस है, सही। और आपके पास ये चर्बी भी है, जो दुम्बे का फैट है। दुम्बे का फैट, इसका क्या है पर के जी? ये सर 25 है, ये 25 दरम है, सही है। ये रेडी हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, सही। और आपके यहाँ पे कितनी शॉप्स हैं? 16 शॉप है, 16 शॉप है इस मार्केट में, माशाल्लाह। ये अजहर भाई, यहाँ पे भी माशाल्लाह ये काफ़ी जो है बहुत क्वांटिटी में नज़र आ रहा है। ये सर इधर पता क्या होता है? जी जी, कुछ चाइनीज कस्टमर्स होते हैं, जी जी, ठीक है, कुछ अरेबिक कस्टमर होते हैं। अच्छा, ठीक है, वो उस हिसाब से हमारा और खाने पीने का काफ़ी डिफरेंस है। अच्छा, पार्ट्स का, सही। ये जो पार्ट्स होते हैं ये हमने उनके लिए सेपरेट किए होते हैं। अच्छा अच्छा, सही। जैसे कि ये आ जाए, ये कमर है, बीफ का कमर है, ये बीफ का कमर है, बोनलेस किया हुआ है हमने। अच्छा अच्छा, सही। इसका वो स्टेक वगैरह बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आप इधर आ जाए तो ये पीस मैं दिखाता हूँ, ये एक्सपेंसिव होता है थोड़ा सा। अच्छा, ये लेग के अंदर से निकलता है, ये लेग के, ठीक है। जैसे ये फुल लेग है, सही, ठीक है। इसका ये वाला पार्ट रिमूव किया हुआ है। अच्छा, इसका ये वाला पार्ट रिमूव करके टॉप साइड बोलते हैं, टॉप साइड, जी टॉप साइड बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये सही है। ये पीस के हिसाब से आप सेल करते हैं या केजी के हिसाब से? केजी के हिसाब से, केजी के हिसाब से, केजी के हिसाब से, सही है। ये पर केजी आपको 30 दरम है, ये वाला 30 दरम है, बोनलेस है। जी, ये बोनलेस है, ये टॉप साइड इसका बोलते हैं, सही, ठीक है, सही। टॉप साइड, उसके बाद ये जो इधर है, इधर हमने जो शिप होता है, जैसे कि ये आपको दिखाया था, सही, ठीक है। स्केलिन होता है, ये वाहिद ऑस्ट्रेलिया का दुम्बा होता है जो सिर्फ दुबई में ज़िबा होता है। अच्छा अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के दो किस्म के दुम्बे आते हैं, एक वहीं पे ज़िबा हो के आता है और एक यहाँ पे। इधर वाले को महली बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये महली है, ये महली है जो इधर ज़िबा किया हुआ है। सही सही, ये कटिंग हो रही है यहाँ पे, कटिंग कर रहे हैं, सही, ठीक है, सही। ये इसके पार्ट्स हैं जो हमने सेपरेट करके रखे। अच्छा, ये इसी इसके पार्ट्स हैं जो हमने सेपरेट करके रखे हुए हैं। कोई बात नहीं, आए वाह, जी जी। ये भाई क्या है भाई, खैरियत से? बरकत भाई क्या है, खैरियत से ठीक ठाक। उसके बाद ये देखिए, ये शोल्डर है। अच्छा, दुम्बे का शोल्डर। अच्छा, ये दुम्बे का शोल्डर है, दुम्बे का शोल्डर है, सही। ये सेपरेट सेपरेट पार्ट होते हैं उस हिसाब से जिसको जो पसंद आता है, किसी को कबाब चाहिए, किसी को टिक्का चाहिए, किसी को पार्ट चाहिए, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल होगा, सही। ये उसके बाद ये नेक है, सही, ठीक है, सही। ये भी इसका शिप का नेक है। अच्छा, ठीक है, दुम्बे का नेक है।
ये सारे पार्ट के पास जितनी भी क्वांटिटी किसी को चाहिए सब अवेलेबल है हमारे पास, हर कुछ अवेलेबल, सब पार्ट्स अवेलेबल है एनी टाइम, ठीक है। और ये शॉप है जो 24 आवर ओपन है। अच्छा, 24 आवर सर्विस है। 24 आवर सर्विस है, सही, क्लोज नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया सर भाई, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, चैनल पे अपने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सोशल मीडिया पे जो हमारे बाकी पेजेस और चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो हमारे दोस्त हैं जो कि मीट नहीं खाते हैं, वो कमेंट करने से पहले जो है थोड़ा सा माइंड में रखें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मीट खाते हैं, जिस तरह स्पेशली जो मुस्लिम हैं वो बीफ वगैरह खाते हैं। तो आई होप कि जिस तरह से हम बाकी रिलीजन का रिस्पेक्ट करते हैं वो भी हमारा रिस्पेक्ट करेंगे। कमेंट जो है वो कोई ऐसा कमेंट नहीं करेंगे जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका पसंदीदा मीट कौन सा है, और मीट में जो आपका पसंदीदा पोर्शन कौन सा है, या पसंदीदा ऑर्गन कौन सा है और क्यों है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।